उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज ऊर्जा स्टेडियम में 67वां नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और विश्वास रखिए आने वाले दिनों में जब स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा आईपीएल के साथ साथ इंटरनेशनल मैच भी सरकार कराएगी। हम बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है और शिक्षकों की नियुक्ति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई स्कोप नहीं है, हम लोग एक साथ हैं और पूरी एकजुटता के साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव क्रिकेट खेलते नजर आए और उन्होंने छक्का भी लगाया। दिल से खेली और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी यहां टीम में पहुंचे हुए हर एक बच्चे जो है टैलेंटेड है और आगे ज़रूर निखर करके आएंगे और देश और अपने राज्य का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। तो आप सब लोगों को हम स्वागत करते हैं और स्कूल के ज़माने में जैसे आप लोग यहाँ खड़े हैं वैसे हम भी खड़े हुआ करते थे। आईपीएससी टूर्नामेंट होता था और बड़ी खुशी की बात है कि उस समय के मॉडर्न स्कूल के बाराखंबा के कोच यहाँ हमको मिले मिस्टर नवीन चोपड़ा सर, तो बड़ी खुशी हुई उन लोगों को भी देख करके। तो आप सब लोगों को हम बेस्ट विशेस और अच्छे से खेलिए और आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन को मेंटली टफ रहना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ फिजिकली टफ तो रहना ही पड़ता है, लेकिन जब गेम आप खेल रहे हो तो मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मैच शुरू हो और आप सब लोग मजबूती के साथ खेलें कि बिहार जो है अच्छे से और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और ख़ास तौर पे ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं होता। और ये आईपीएससी टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले, पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए। इससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत रहती है, लोगों के नज़र में आते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि आईपीएल जैसे बड़े खेल के आगे बिहार में होंगे लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं। नहीं एकदम हम लोग को तो देखिए हर जगह जो है काम करना है, चाहे खेलकूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या किसान की बातें हो, हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की हर एक पहलुओं को देखते हुए हर जगह हम लोग विकास कर रहे हैं। अब बिहार में जो है माहौल बन रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स खेल जो खेलेगा मेडल लाएगा, नौकरी पाएगा। जो पहले कला संस्कृति विभाग में पहले जो खेल था उसको अलग करके खेल का डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया, इसी वजह से ताकि हम स्पोर्ट्स को जो है अच्छे से हम लोग प्रायोरिटी देने का काम करें, अच्छे से सारी चीज़ें जो है देखें। बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा है अब देश भर के हर टीमों से खेलने का, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या रणजी ट्रॉफी लेवल पे हो। और जल्द ही विश्वास रखिए बिहार की जनता को इतना आप ज़रूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी चल रहा है, काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग जल्द ही जो है आईपीएल टूर्नामेंट और इंटरनेशनल मैचेस, इंडिया के मैचेस भी हम लोग कराएंगे। तो भैर रखने के लिए राजनीति है, कोई राजनीति भी लगाएंगे क्या? राजनीतिक पिच पर लगेगा करमात भी क्या? खत्म हो चुका है राजनीतिक पिच पर कैसा? देखिए जनता जो है वो मालिक है ना। हम लोग जो जनता की जो इच्छा है, जो आकांक्षाएं हैं, जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में पहली बार देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है,
तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है, और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है, और खास तौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है बिहार।